अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को ललकारा, कहा नाटो की सीमा में एक इंच भी घुसे तो खैर नहीं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, भारत ने 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल किया। बीएसपी ने भंग की सभी कार्यकारिणी, तीन चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए। मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले, स्कूलों में होगा बायोमेट्रिक सिस्टम। गृह मंत्री अमित शाह 1 अप्रैल को शिव कुमार स्वामी की जयंती पर जाएंगे सिद्ध गंगा मठ। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी के देवरिया में स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर के अध्यक्ष जगतगुरु रामानुजन स्वामी राज नारायण आचार्य जी ने आज एक प्रेस वार्ता की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगतगुरु ने कहा कि एक संत महात्मा को बुलडोजर शब्द की संज्ञा दी जा रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी राजनेता के साथ साथ एक धर्म नेता भी हैं। आज भाजपा इसलिए सफल है क्योंकि योगी ने राजनीति को धर्म नीति से नियंत्रित करके रखा है, क्योंकि बुलडोजर का कार्य तोड़ना और योगी का कार्य जोड़ना है। योगी जोड़ने का काम करते हैं और लोग उन्हें बुलडोजर बाबा की जगह बोल्ड बाबा कह सकते हैं। कहना ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, वो नकल कर रहे हैं। उनका मैंने भाषण सुना था, उन्होंने ही कहा था कि राजनीति तोड़ने का काम करती है और धर्म जोड़ने का काम करता है। राजनीतिज्ञ लोग न जाने कितनी जातियां प्रजातियां बना दिए, ये दलित है, ये महादलित है, ये क्या है क्या है, न जाने कितने नाम रख करके समाज को तोड़ दिया है, जबकि धर्म की नीति जोड़ती है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को अपने को बुलडोजर मामा कहलाना हास्या। गोरखपुर से वाराणसी के लिए प्रारंभ होने वाली नई उड़ान के शुभारंभ के दौरान गोरखपुर के पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह और सदर सांसद प्रतिनिधि यदुवंशी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर से जुड़े केंद्रीय नागरिक विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके भी उपस्थित रहे। 2017 से 2022 के बीच में जहां पहले 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे 2017 के पहले, लेकिन इन 5 वर्षों में 9 हमारे जो एयरपोर्ट स्थापित हुए, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय और 6 राष्ट्रीय, और 2 हमारे और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं, जेवर में और 1 आपके अयोध्या में, तो कुल लगभग 11। और आगे आने वाले समय में अन्य जिलों से भी जो है जो एयर कनेक्टिविटी से जो जोड़ने का अभियान है उड़ान योजना में, तो आज गोरखपुर से बनारस यानी बाबा गोरखनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की धरती का आज जो एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जो एक सफल आज जो संचालन शुरू हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने नागरिक विमानन मंत्री अपने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और स्पाइस जेट परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले मैं बड़ी हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत आने के बाद हम उत्तर प्रदेश वासियों को ये दूसरी बड़ी सौगात परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से ये हम लोग को सौगात मिली है। जिस ढंग से पहली सौगात पूरे उत्तर प्रदेश को दिया गया, अन्य योजनाओं को बढ़ा के 3 महीना एक्सटेंशन किया गया, आज दूसरी सौगात पूरे उत्तर प्रदेश को खास करके हम गोरखपुरवासियों को मिला है कि यहाँ से कनेक्टिविटी जो सीधे बनारस के लिए और बेंगलोर के लिए दी जा रही है। ये आपकी फ्लाइट काफ़ी अच्छी थी, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, कम्फर्टेबल रहा और राइट टाइम पर पहुँचा दिया, वी रियली इन्जॉय। तो क्या लग रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो गोरखपुर वासियों को जो उपहार दिया कि यहाँ से गोरखपुर वाराणसी? हाँ, बहुत अच्छा किया। 10 घंटे की जर्नी हम लोगों को 1 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट हो गई, तो हम लोग
अयोध्या के बीकापुर से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय परशुराम यादव की पुण्यतिथि पर कोछा बाजार के एक स्कूल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में विचार गोष्ठी के दौरान बड़ी तादाद में कई बुद्धिजीवियों ने अपने विचार साझा करते हुए पूर्व विधायक परशुराम के दौर और उनके काम करने के तरीकों पर प्रकाश डाला। वहीं आगे इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सपा नेत्री रोली यादव ने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जनसेवा करने का संकल्प लिया। मैं उनकी बेटी हूँ और मैंने जब से देखा अपने पापा को, हमने ये देखा है जमीन पे संघर्ष करते हुए, जनता के लिए लड़ते हुए, गलत के खिलाफ आवाज उठाते हुए। हमने ये भी बचपन में ही देखा था कि अगर हम गलत हैं और सामने वाला बच्चा सही है, हमसे गलती हुई, तो मेरे पापा हमेशा मुझे सजा दिए, सामने वाले बच्चे को मुझे कुछ नहीं होगा। तो जीवनी तो पापा की मैं नहीं जानती, पर जब से मैं जानती हूँ तब से मैंने ये देखा है कि जो भी उन्होंने हम लोगों के लिए किया है और हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का जो भी सीख दिया है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां इल्तफातगंज मोहल्ला बगीचा में तालाब के विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद नगर पंचायत के सभासद मुर्जिबुर रहमान ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए गाली गलौज करने लगे। वहीं इस पूरे मामले के बाद पीड़ितों ने स्थानीय थाने पर पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इल्तफातगंज का मैं रहने वाला निवासी हूँ, मेरा नाम है बख्शीश अहमद है और ये मजीबुर रहमान सभासद दो साल पहले एक बार मेरे भाई को मारा था और फिर हमने FIR कराया, लेकिन हमारे FIR लिखा नहीं गया है। झगड़ा हुआ था और वो लोग आए थे, अरे दरवाजा तोड़ दिया, अब वो हमको गाली दी, मारने को कह रहे थे, बाहर नोचा, हमारी एक लड़की है सियानी, उसको भी मारने को कहे कि अभी मार देंगे, बहुत बुरी बुरी गाली दिए थे, कह रहे थे कि बताइए, अरे हम हमारे आदमी का नाम लेकर कह रहे थे कि बताइए, अभी नहीं तो मार डालेंगे, उनको नहीं बताएंगे, क्यों बताएं, हमको मालूम नहीं है। कितने लोग थे? अरे 30 लोग थे, 30-40। आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में गायक हरिहरन ने ऐसा समा बांधा कि लोग सुदबुद ही भूल गए और पूरा शिल्प ग्राम संगीतमय हो गया। इस दौरान दो बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायक ने कहा कि मौजूदा वक्त में गाने सिर्फ लाइक्स के लिए बनते हैं, उनका भावात्मक रूप से कोई जुड़ाव नहीं होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संगीत एक उत्पाद नहीं है जिसे मार्केटिंग की जरूरत है, परंतु आज मार्केटिंग जरूरी हो गई है। जी बस मैं ये तीसरी बार मैं आ रहा हूँ ताज महोत्सव में और मुझे खुशी है कि वो मुझे बुलाया यहाँ पे और याद किया मुझे, क्योंकि कोविड के बाद अभी हो रहा है और मैं मतलब एक्साइटेड हूँ मैं और आज मैं अपनी जो चाहते मतलब लोकप्रिय। खबर कानपुर से है, जहां सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गौशाला के सामने लगभग 50 मीटर दूरी पर गौवंशों के शव और कंकाल कुत्ते और जंगली पशु गायों के शव नोच रहे हैं, पर जिम्मेदार इस बात को लेकर अनजान है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। करीब एक हफ्ते पहले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में श्रावस्ती के सिरसिया क्षेत्र के मोतीपुर कला ग्राम पंचायत के बनमसहा निवासी थारू समाज की दो लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिनका शव रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में मिला था, जिसके बाद दोनों ही लड़कियों के शव को पूरे रीति रिवाज से दफना दिया गया। इसके बाद देवीपाटन मंडल समेत लखीमपुर में भी लड़कियों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने कैंडल जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया। वहीं उन लड़कियों की मौत की जांच और उन्हें न्याय दिलाने के लिए थारू जनजाति समाज उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनमहस गांव पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उनका ढांढस बंधाया।
खबर देवरिया से है, जहां गोरखपुर जनपद में सपा के टिकट पर एमएलसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्याशी ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए घायल महिला को चिकित्सालय अपने खुद के वाहन से पहुंचाया, जहां उन्होंने महिला का खुद ही उपचार कराना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला की हालत बिगड़ती गई, जिसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना हमें इस समय करना पड़ा। मैं अपने होटल वापस जा रहा था और रास्ते में जो ब्रिज पड़ता है, मेरे ख्याल से देवरिया को डिवाइड करता है, हाँ पूर्वा चौराहा, वहाँ पे मैं देखा बहुत भीड़ लगी हुई है और रोने तक चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं वहाँ पे गया तो दो बच्चे गिरे हुए थे और एक बूढ़ी ज़यीफ़ औरत थी, करीब 50-60 साल की रही होंगी। तो हम लोग अपनी कार में लेके ही आए, हालाँकि हम लोग पुराने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले गए थे, पता नहीं था वहाँ पे, तो बाद में घूम के यहाँ पे आए हैं। अफसोस की बात ये है कि बेसिक दवाएं भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं, मतलब डाइक्लोफिनैक के अलावा कोई दवा नहीं मौजूद थी। अफसोस की बात है कि हॉस्पिटल में अम्बू बैग भी नहीं था, इंडोट्रैकल ट्यूब नहीं थी, लेंजोस्कोप नहीं था। खबर गाजियाबाद से है, जहां के लोनी में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इसकी सूचना आनन फानन में फायर विभाग को दी गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये मॉर्निंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है और इसमें जो पीछे की तरफ से कहीं से बता रहे आग लग गई है, लेकिन वो देरी से पता लगी। जब तक ये आग निश्चित विभाग आया तो बारी आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। अब आग इस समय कंट्रोल में है, कुछ परेशानियां हो रही हैं जिसे तोड़ताड़। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना रोरावर क्षेत्र के करबला में एक ताला फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जहां आग देखते ही देखते लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई। हालांकि अभी तक फैक्ट्री में आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। ये ताला फैक्ट्री थी, वहाँ पे जो ताला पैक करने का पैकेट का गत्ता होता है, उसमें किसी कारणवश आग लग गई है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की पूरी टीम मौजूद है, फायर टेंडर मौजूद है, पुलिस पूरा थाना फोर्स मौजूद है, मैं भी यहाँ पे मौके पे आया हूँ। अभी ये फायर वाले जांच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। संभवतः शॉर्ट सर्किट जैसा बताया जा रहा है, संभवतः उससे लगी होगी और आग पर काबू पा लिया गया है। अभी आधे घंटे एटा जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह और जिला जज जिला कारागार के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। इस निरीक्षण के दौरान तीनों ही अधिकारी कारागार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। वहीं इस दौरान अधिकारियों ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि कारागार में बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का समय समय पर मूल्यांकन करके उन्हें शासन की मंशा के मुताबिक बेहतर सुविधाएं दी जाए। खबर एटा से है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा औचक निरीक्षण करने मलावल थाना पहुंचे, जहां पर इस दौरान उन्होंने थाने के सभी अभिलेखों को परखा और वहां रखे हुए सभी रजिस्टरों की जांच भी की। वहीं इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक को थाने में जो भी खामियां मिली उनको सुधारने का निर्देश दिया गया। तो वहीं थाना परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को देखकर अपर पुलिस अधीक्षक खुश नजर आए। उत्तर प्रदेशी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।